ॐ गुरुभ्यो नमो ॐ गं गणपतये नमः ॐ नमते नमो ॐ रं रमाय नमः ॐ मातेश्वर्ये नमो नमः ॐ शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। एक मकरी जस्ट शादी कराया और सुबह सुबह झगड़ा कर गई, मुंह लटका के बैठी रही। तो उसका पति देव मुरे को फोन किया कि गुरुजी कोई पासवर्ड असवर्ड है तो दीजिए ना। क्या बात कबे? बोला मकुरी मान नहीं रही है। गधानंद, इतना सब पढ़ा दिया, आप पूछोगे मकुरी को कैसे फंसाएं, मकरू को कैसे खोपचे में लें, कैसे सेटिंग करें, कैसे मनाएं। वर्ल्ड में सबसे आसान है मकरू को, मकरी को फंसाना सबसे आसान। खाली पासवर्ड जान लो, कोड जान लो, बस ठीक है। मकरू मकरी लोगों का बहुत बड़ा बड़ा कोई किसी से पाने का आशा नहीं रहता है कि तुम गिफ्ट दे दोगे और मकरू को खरीद लो, पैसा से खरीद लो। ये तो मकरा मकरी लोग देते हैं, वो किसी से कोई आशा नहीं करते ना। एकदम बिंदास फक्कड़ राम सिंह, हाँ जनरली ह्यूमन बीइंग नेचर है किसी से कुछ पाने का आशा, लेकिन प्योर मकरू ने भूखे प्यार के तो बोलते हो तो सब है महाराज। नहीं देखो, पंचम में शुक्र का घर है, ब्रस बैल, मुंह में मैकेनिकल आई लव यू बोल के मकरू को नहीं जीत सकते। भले मत बोलो लेकिन एक बार फीलिंग्स से देख लो। मकरू तो इतना जल्दी आई लव यू बोलता ही नहीं है। फीलिंग्स, इमोशन, भाव, प्यार से एक बार देख लो, जीत लो। वो दे नीड ट्रूथ लव। दूसरा है एक छोटा सा कमी जो इसको हम जिद्दी बोलते हैं। जिद्द पे आए तो फिर धरती पलटा के रख देगा बेटा मकरू, छोड़ेगा नहीं, जो नए हो जाए देखा जाओ। ये स्वभाव यहाँ पर है तीनों नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ में, श्रवण में, धनिष्ठा में, क्योंकि राशिगत एनर्जी यहाँ पर आता है ना, इसलिए। तो वो नाना बोलता रहेगा, आप हाँ हाँ बोलते रहिए, नहीं जाएंगे, अच्छा ठीक है नहीं जाना। इसको समझने के, मैं जो बोल रहा हूँ ना, अभी छोटे से वीडियो में नहीं समझा सकता। दशरथ मांझी वाला फिल्म आप देख लीजिए, दशरथ मांझी कैसे लोगों को फुसलाता है, बस वो बेस्ट टेक्निक है, उसको थोड़ा सा फॉलोअप करिएगा तो समझ में आ जाएगा मकरू को कैसे दिल जीतना है। मकरा हो चाहे मकरी हो, उसका सेंसिटिव पॉइंट ज्यादातर, ये पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, आप लोग फिर मिस यूटिलाइज कर दोगे, छोड़ो। अच्छा नेक्स्ट ये है कि जीतने का तरीका है कि उसके साथ काम करो। वो तो काम करता रहेगा, उसके साथ काम करना। दूसरा क्या, एप्रिसिएशन उसको देना है, एप्रिसिएशन का भूखा है। मेन बात क्या है ना, मकरू काम करते कोई अप्रिशिएट नहीं करते उसको, जानते हो। मकरू लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज नहीं चाहिए, कंसोलेशन अप्रिशिएट वाला भी एक ठो कागज पकड़ा दोगे ना तो मकरू खुश हो जाता है, काम मिला है देखो। ओ अप्रिशिएशन मिला है, वो भी नहीं मिला तो फिर दिया काम से। चौथा है कि सिक्योरिटी फीलिंग्स। मकरू जहां एक बार सिक्योर हो गया, कलेजा निकालेगा हाथ में दे देगा, जो बोलोगे सब दे देगा। अच्छा नहीं है लो, देने का दूसरा नाम मकरू है, इसलिए उसको दे के नहीं जीत सकते। हाँ देना, ऐसा नहीं बोलो कि नहीं देना, देना, लेकिन धरती में देने वाला तो मकरू है,
नई अनुभव है या अनुभव है तो नीचे कमेंट में पता चल जाएगा। और ये वीडियो मकरू लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं, मकरी लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं, नॉन मकरूज यानी मेष से रे के मीन तक एक्सेप्ट मकरू के लिए बना रहा हूं कि ये लोग पूछा है कि मकरू को दिल जीते कैसे, मकरू को खुपचे में लें कैसे, मकरू को फुसलाएं कैसे, मकरू को पटाएं कैसे, मकरू को कब्जे में लें कैसे। शब्द से नहीं, मौन से और फीलिंग्स से, भाव से और भक्ति से, और करके दिखा दो। एक फियर फोबिया मकरू का रहता है, चाहे वो लड़का लड़की वाला केस हो, पति पत्नी वाला केस हो, अगर वो उसको एक दिन भी लग जाए कि हाँ ये मेरे लिए 100% है, एक फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटीनेस, नॉन फियर कंडीशन, फिर तो क्या कहना यार, ऐसा दोस्त तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। मकरू के फैमिली के बारे में, तेरा बाप, तेरा बहन, तेरा भाई, तेरा परिवार, तेरा वंश, कभी उंगली नहीं दिखाना, नहीं तो समझ लेना कि शेर के पिंजरे में हाथ घुसाया बेटा, सब निकलेगा, हाथ नहीं निकलेगा, ठीक है। सब लगो मत लगो, आप कभी उसको उसका दुर्बलता नहीं समझना, वो शेरनी होता है, देखना इस नक्षत्र में शेरनी का चित्र है ना, शेरनी है, एकदम दहाड़ देगी उस, वो सबसे ज्यादा कमजोरी भी समझो या शक्ति पॉइंट समझो। कोई भी पति पत्नी हो तो उसके बारे में नहीं बोलना, 3 दोषारोप उसके ऊपर नहीं करना, बल्कि जितना ज्यादा तेल मार सको उतना बढ़िया है। तेलुआ होते हैं थोड़ा सा, अरे आप अच्छे हो, आपका नाक अच्छा है, आपका आँख अच्छा है, कान अच्छा, क्या बाल है, क्या ठुड्डुड़ी है, क्या नाक, फीलिंग्स के साथ बोलना, मैकेनिकली नहीं बोलना, नहीं तो काम नहीं देगा। पीठ में हाथ रखना एकदम नहीं भूलना। हाँ, अगर आपका पति है चाहे जो भी दोस्त है ना, पैर का मालिश कर देना, बड़ा खुश हो जाते हैं। पैर उर का तलवल में तेल उल लगा के, देखो भाई शनि को खुश करना जो है, मकरू और कुंभ को खुश करना वही है, तेल से एकदम दिल खुश, दिमाग खराब होता है। तेल उल मालिश वालिश कर दो, सर में चुम्पी उम्पी कर दो, ऐ इधर आ, थोड़ा चुम्पी कर दो, ए मकरी इधर आ, ए मकरू इधर आ, अच्छा वो उठे होंगे, खींचते रहोगे, बुलाते रहोगे, नहीं जाएंगे, जाओ, अच्छा ठीक है मत जाओ, थोड़ा देर छोड़ दो, एलोन, एकांत शब्द को नहीं बोलना, एकांत छोड़ दो, उसके बाद फिर रिप्लाई, आना चाहते हैं न देखा जाएंगे, नहीं देखा जाएंगे, न हाँ फस, ठीक है आगे और कुछ सीक्रेट देंगे, ये तो इतना अप्लाई कर लो, आगे और भी कुछ पॉइंट देंगे। धन्यवाद।